साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। और जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेले का आज से आगाज हो चुका है और इसके लिए बड़ी संख्या में मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। माता खीर भवानी मंदिर आज पूरे दिन यहां पर अनुष्ठान चलेंगे, साथ ही भजन कीर्तन का भी यहां पर दौर चलेगा। इसके लिए खासतौर पर कश्मीरी पंडित श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले के मद्देनजर सुरक्षा के भी सख्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। और सरोज हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी सरोज, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? ये वार्षिक मेला है और इसको लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं, खासतौर पर कश्मीरी पंडित समुदाय में इसको लेकर बहुत ज्यादा जोशो खरोश होता है। क्या कुछ जानकारियां सुरक्षा के लिहाज से भी सरोज? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है आज हमारे जो कश्मीर पंडित बिरादरी है उनके लिए। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर से लोग आए हैं, हिंदुस्तान के तमाम कोनों से लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं यहाँ पे। और उसके मजीद आपको कहूँ, अब्रॉड से जैसे यूएस जैसी जगह, लंदन जैसी जगह जहाँ पर कश्मीरी पंडित का डायस्पोरा है, वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। लगातार प्रिपरेशंस चल रही है पिछले कई दिनों से यहाँ पे। 5 दिन पहले यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी आए हुए थे और उनके साथ में चीफ सेक्रेटरी एथल डिल्लू भी आए हुए थे। पूरे तरीके से यहाँ पर उन्होंने एक दौरा किया था और साथ में उनके डीसी गांधरबल शैमबीर भी थे उस टाइम पे। IGP जम्मू कश्मीर पुलिस विधि बिरदी भी उनके साथ में थे। आपने देखा हाल ही में किस तरीके से कुछ पिलग्रिम्स है जिन पे एक बहुत बुजदिल एक ऐसे कावर्डली एक्ट हुआ था, उन पर अटैक किया गया था और उसके मजीद। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनका जो जज्बा है, जो भाव है, वो कम नहीं हुआ है और भीड़ जो है लातादाद उमड़ी हुई है आज यहाँ पे। और कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। नाम बताएं आप। नाम महारानी कंठ। कहाँ से आए आप? हंदवाड़ा। हंदवाड़ा से आए हैं? हंदवाड़ा। अच्छा, अभी जम्मू में रहते हैं? ये बताइए, पहले भी आते थे आप यहाँ पे? पहले भी आते थे? कश्मीरी में बोलो इसको। अच्छा, कश्मीरी में बात करेंगी। बताइए, आज कितना टाइम पता है? पांच हालत आज देते क्या वन और फेर कर अद क्या हालत है? शुक्रिया शुक्रिया। तो देखिए आप किस तरीके से कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो 35 साल बाद लौटे हैं आज यहाँ पे। जो अभी हमारी बात हो रही थी इनसे कहा कि 35 साल बाद आज हम लौटे हैं, कोई खौफ नहीं है, हालात भी बहुत बेहतर लग रही है। उसके मजीद अगर हम बात करें, देखिए अभी तरीबन एक्सपेक्टेड जो है इस बार 90,000 श्रद्धालु एक्सपेक्टेड है इस बार। जैसा मैंने आपसे कहा, न सिर्फ जम्मू कश्मीर से श्रद्धालु होंगे, हिंदुस्तान से और जो हमारा कश्मीरी पंडित का डायस्पोरा फॉरेन कंट्रीज में रहता है वो भी सरोज कुछ कुछ तैयारियां कुछ इंतजाम सरोज प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं, क्योंकि ज्येष्ठ अष्टमी को ये माता खीर भवानी का मेला शुरू होता है। और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विदेश से भी जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, इस मेले में खासतौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं। सरोज, प्रशासन की तरफ से भी कुछ बसेस वगैरह का इंतजाम किया गया, इस तरह की जानकारियां? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैस्मिन, प्रशासन की अगर हम बात करें तो इंतजामात हर बार यहाँ बहुत उम्दा होते हैं। देखिए कई सारे स्टॉल्स लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स जो होते हैं, न सिर्फ खाने पीने के स्टॉल्स रहते हैं, जैसे PDD डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलप डिपार्टमेंट है, फायर एंड इमरजेंसी, मेडिकल सर्विसेज हैं। तो तमाम जो है इन लोगों के स्टॉल्स 2 दिन पहले ही यहाँ लग जाते हैं। आप कह सकते हैं एक किस्म का एक मॉक ड्रिल यहाँ पे पहले रहता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अक्सर जब हम खीर भवानी की बात करते हैं तो ये एक भाईचारे की मिसाल है खीर भवानी की। ये आप इस वक्त दृश्य में भी देख सकते हैं, जो यहाँ प्रसाद चढ़ता है माता को, मोस्टली खीर का प्रसाद चढ़ता है और मोस्टली जो बनाने वाले होते हैं वो यहाँ के लोकल मुस्लिम्स होते हैं। और अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें, देखिए रहने की बात करें तो जैसे परसों चीफ सेक्रेटरी ने भी यहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी DC गांधरबल शैमबीर को कि यहाँ पे जो सेंट्रल कश्मीर यूनिवर्सिटी है बिल्कुल पास में ही है, वहां पे आला इंतजाम रखे गए हैं श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पे रुकेंगे। और उसके मजीद जो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं, अपने बीजे फिरोज से कहूंगा, देखिए आप दृश्य के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पर रहने के भी इंतजाम है जो मंदिर के अंदर ही प्रिमाइस में इन्होंने मेकशिफ्ट कुछ ऐसे टेंट्स बनाए हुए हैं या मेकशिफ्ट आप कह लीजिए फाइबर के जो हट्स बनी हुई है वो भी यहाँ पे लोगों के कंफर्ट के लिए है। और न सिर्फ आज, इस वक्त तो खैर हम खीर भवानी गांधरबल में है और ऐसी 5 जगहें हैं जहाँ पर यही
जिस दिन अष्टमी होती है यहाँ पे ज्येष्ठ अष्टमी, हाँ। उस दिन वो बाकी चार मंदिरों में जो है वहाँ पे भी इस तरीके से बिल्कुल सरोज कश्मीरी पंडितों की आस्था का ये महापर्व है। माता खीर भवानी मंदिर में जिस तरह से मेला यहाँ पर लगा हुआ है, कुछ लोग हैं जो बात करना चाहेंगे सरोज। चलिए सरोज से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। माता खीर भवानी मंदिर में सरोज मौजूद है और वहां से ये तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि किस कदर लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश और बल्कि विदेश से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की आस्था का ये महापर्व माता खीर भवानी का मेला हर साल ज्येष्ठ अष्टमी पर इसकी शुरुआत होती है और लोगों में खासा उत्साह, प्रशासन की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। बहुत शुक्रिया सरोज। चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के हर स्कूल में सुबह की असेंबली की शुरुआत राष्ट्रगान से करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक सर्कुलर के माध्यम से सभी स्कूलों को सुबह की सभा को एक समान बनाने का निर्देश दिया है। जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मानक प्रोटोकॉल के अनुसार सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से होनी चाहिए। सुबह की सभा 20 मिनट की होगी। शिक्षा विभाग ने अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित करने, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने, नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ स्कूलों को सुबह की सभाओं में शामिल करने के कुछ कदमों के रूप में सुझाव भी दिया है। आगे बढ़ेंगे। आतंकी हमले के बाद से कठुआ और डोडा में सुरक्षा कर्मियों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कठुआ में पिछले 4 दिनों से सुरक्षा कर्मी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कल शाम कुछ संदिग्ध वहां देखे गए थे और इस बीच कोटा टॉप डोडा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो 4 दिन हो चुके हैं जहां कठुआ में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 4 अलग अलग जगहों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बीते कल ठाठरी में कुछ संदिग्धों के देखे जाने के बाद सर्च अभियान को और तेज कर दिया गया है। फिरदौस हमारे सहयोगी से खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी फिरदौस, क्या अपडेट्स, क्या जानकारियां? हाँ जी देखिए जासमीन, आज इस ऑपरेशन को 3रा दिन हो रहा है। 3 दिन पहले मिलिटेंटों ने यहाँ एक पिकट पे हमला किया था जिसमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल एसओजी जवान जो है वो उसमें जख्मी हुआ था और आज वो जो है जीएमसी जम्मू में जो उसका इलाज मुआवजा चल रहा है। लेकिन कल जो है यहाँ डीआईजी डोडा किश्तवाड़ और बटोत रेंज जो है यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सूरत हाल देखी, एनकाउंटर साइट पे गए और उनका 3 इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन वो यहां से जाके गए। उसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये थी कि जो भी मिलिटेंट हैंडलर्स हैं, जो भी मिलिटेंट को शेल्टर दे रहा है उसको कभी बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके बाद डीआईजी डोडा ने कहा कि जो स्केचेस हमने जारी किए हैं, 4 स्केचेस हमने जारी किए हैं, तो उनमें जो भी हमें कोई सिविलियन इंफॉर्मेशन इनकी देता है तो उसको जो है 5 लाख इनामात से उसको नवाजा जाएगा और उसका डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा। तो तीसरी बात जो है डीआईजी शैलेंद्र पाटिल ने यह कही कि आवाम जो यहां की है, जो डरी हुई है, सहमी हुई है, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। 24 घंटे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो शाना बशाना उनके साथ खड़ी है और उनकी हिफाजत के लिए खड़ी है। और चौथी बात डीआईजी ने यह कही कि लोगों से बड़ी मुअद्दबाना अपील की कि जब भी, खास करके वो लोग जिनकी सीजनल माइग्रेशन होती है, पहाड़ों पे होती है, उनको कहा कि आप जब भी कहीं सस्पिशियस मोमेंट्स देखते हो किया जाएगा। और उन्होंने जो कल ड्रोन जो है, ड्रोन की मॉनिटरिंग जो है डीआईजी ने खुद किया कि खुद जो है ड्रोन लगाया, खुद जो उसने मॉनिटरिंग की। और सबसे बड़ी बात जो है कि 3 दिन से जो ऑपरेशन चल रहा है जिसकी सुपरविजन जो है वो एसएचओ गुंडो जो कर रहे हैं और वो खुद उस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। आज 3रा दिन है, हमने देखा कि कोटा टॉप और उसके मुजफ्फाती एरिया जी फिरदौस, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डीजीपी ने कही
कि जो लोग इन आतंकवादियों की, इन घुसपैठियों की मदद करते हैं वो बाज आ जाएं, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि जो लोकल इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है, जो OGWs की बात की जाती है, वो वाकई कहीं ना कहीं इन लोगों का सहारा लेकर, लोकल बॉडीज का सहारा लेकर लेकर ही आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं आसान होता है लोकल लोगों के कंधे पर बंदूक रख के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना? बिल्कुल, डीआईजी शैलेंद्र पाटिल ने ये कहा कि हम उन्हें वार्न करते हैं और ये भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन है हम उनको डिस्क्लोज नहीं करेंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन एडवांस में रखी जाएगी, लेकिन अगर उन्हें कोई भी क्लूज मिलते हैं वो नियर बाय पुलिस पिकर, नियर बाय पुलिस स्टेशन या किसी भी एजेंसीज के बंदे को फोन करके बताएं, उनकी प्रेजेंस के बारे में बताएं, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज को ये पता चलता है कि जो ये लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा, उनको के पीछे डाल दिया जाएगा। और कल जो है ये ऑपरेशन इतना वसी किया था कि जो मजाफाती एरियाज हैं उसके, चाहे वो गांव हैं या जंगल हैं, उनमें और जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है उसमें पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट से लैस किया हुआ, और सिक्योरिटी सर्च ऑपरेशन जो है वो आज फिर तीसरे दिन जो चलाया जा रहा है उन मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि उन लोगों का कहना था जो सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे वहां थे उन लोगों का कहना लगभग ये 2 के करीब टोटल इस एरिया में रोमिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन इनकी टोटल तादाद जो है वो 4 के करीब है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी उनके स्केची जो है वो जारी किए हैं। तो आज की सूरत हाल ये है कि आज फिर उस ऑपरेशन को जो है किया गया, फिर शुरू किया गया, तलाशी अभियान जो है फिर शुरू किया गया है, चाहे वो कोटा टॉप हो, चाहे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां आज जम्मू कश्मीर पुलिस, सिर्फ कोटा टॉप की बात नहीं है मैं नहीं करूं, चाहे बटियास हो, चिल्ली हो, मनो हो, कुटा हो, या कालजुगासर हो, या जतोता का एरिया हो, या बाश टॉप हो, उन सारे एरियाज में आज फिर से जो है तलाशी अभियान शुरू की है और उन मिलिटेंट्स को ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है और न्यूट्रलाइज और मार गिराने की कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी एजेंसीज के जरिए। जी जासमीन, बिल्कुल फिरदौस, नजर आप बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों की पूरी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को आतंकवाद विरोधी प्रयासों से अवगत कराया गया। गृहमंत्री अमित शाह से बात की उन्होंने और सुरक्षा बलों की तैनाती, आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा की, मंथन किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत की और जम्मू कश्मीर की स्थिति का जायजा लिया। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, वो उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईद भी नजदीक है और ये सभी कश्मीरियों के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए घाटी का दौरा करेंगे। वो योगा डे है यहाँ पे, अब तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? उनका खुशामदीद, क्योंकि तीसरा टेन्यूअर हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उसके लिए तो सारे ईद तो है ही है, वो भी खुशी का माहौल होगा हमारे लिए, क्योंकि उनका आना बायस फख्र है कश्मीर में और कश्मीरियों के लिए। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज के लिए हिरासत में लिए गए 50 संदिग्ध, जांच सुनिश्चित करने के लिए तलाशी अभियान का किया गया विस्तार, रियासी पुलिस ने की कार्रवाई। डोरा पुलिस ने 4 आतंकियों का स्केच किया जारी, जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा। भद्रवाह, थात्री और गंदोह के ऊपरी इलाकों में आतंकियों के सक्रिय होने की खबर। त्राल के गुलशनपुरा के गुज्जर कस्बे में पानी की भारी कमी, बूंद बूंद के लिए तरसे लोग, अधिकारियों ने लिया जायजा। लेह में पुलिस ने पीपी खारू को, जापानी सोलो राइडर आकाशी ताकुमी को उनका खोया सामान दिलाया वापस। उपशी से गया के रास्ते में खोया था नकदी, पासपोर्ट समेत और महत्वपूर्ण दस्तावेज। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद की गई कार्रवाई, हाईवे पेट्रोल स्पैंक की बदौलत वापस किया गया सामान। रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैटरी चमसा के पास सीआरपीएफ की एक बस में लगी आग, बस में सवार सभी सुरक्षाकर्मी सुरक्षित, इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, एसएचओ ने दी घटना की जानकारी।
बिश्नाह में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला वार्ड नंबर 9 के निवासी का शव। माइनर नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजौरी में जंगल में आग की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी। निदेशक हिमांशु गंडोत्रा ने दी जानकारी। 10 दिनों में 15 आग की घटनाएं आई सामने। चलिए आगे बढ़ते ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर आर स्वैन ने कहा कि आतंकवादियों की मदद करने वाले लोग बाज आ जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों को धकेल रहा है। साथ ही कहा कि इन सभी आतंकवादियों का सफाया जल्द कर दिया जाएगा। एक सिक्योरिटी चैलेंज है, हम इसको इनकार नहीं करते हैं। इसकी जड़ जो है, इसकी स्टार्ट पॉइंट जो है, ये एक्रॉस है और एक क्लियर इंटेंट जो एडवर्सरी की, एनिमी की है कि अगर किसी तरीके से यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भड़का नहीं सकते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, कश्मीर में भी नहीं कर सकते हैं, तो एक इंटेंट जो है एनिमी की वो ये है कि अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। अब बहुत लंबी टेरान है हमारा, डिफिकल्ट टेरान है, जंगल, खाड़ी, पहाड़, नाला है, तो इसको मद्देनज़र इसको इस्तेमाल करके इसमें फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स को अंदर डाल के इसको, खासकर जम्मू जगह को अस्त व्यस्त करने के लिए और एक हुक्का माहौल पैदा करने के लिए एक कोशिश जरूर एनिमी की है, ये एक सच्चाई है। यात्रा को लेकर ये अटैक करना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा, उनका इंटेंट जो है, उनका जो मन है, वो ये मन है कि साहब हम इसको डिस्टर्ब करके रखेंगे, हम एक माहौल जो बन रहा है उस माहौल को हम बिगाड़ेंगे। एनिमी एजेंट्स पैसों के लिए बिकते हैं, नारकोटिक्स के लिए बिकते हैं और वो उनके मदद करने में बीच बीच में ज़रूर हैं और उनका निशानदेही हुई है और आगे होगा। और ख़ासकर उन लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है, उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है, जेलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनके बगीचे हैं, तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। सर, हम अपना रिस्पॉन्स बना रहे हैं और उसको हम नुकसान अगर छोटी बहुत उठानी पड़ेगी, जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं, हम अपना सारे रिसोर्स इसको मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, पर यह है कि वो कानून के बाहर है और उनका कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए उनकी नुकसान करने की क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा दिखती है। अब ये गिन गिन के एक एक करके इनको बाउल वाइज, हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को, पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी, पर लोगों ने डटे रहे और फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री, उन्होंने अपनी एजेंसीज, अपनी पूरी ताकत भिड़ा दी और इनको नास्तोनाबूद करने में कामयाब हुए। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे, चुन चुन कर, एक एक कर, हम ज़्यादा तो तादाद नहीं हैं, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इनको ख़त्म कर देंगे।
और आतंकी हमले के बाद से कठुआ डोडा में सुरक्षा कर्मियों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कठुआ में पिछले 4 दिनों से सुरक्षा कर्मी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कल शाम कुछ संदिग्ध यहां देखे गए। इस बीच कोटा टॉप डोडा में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चरणजीत जुड़े हुए हमारे साथ, सीधे रुक करते हैं चरणजीत का। जी चरणजीत, किस तरह से सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ संदिग्ध यहां देखे गए थे और उसके बाद से सर्च अभियान को और तेज कर दिया गया है। जी बिल्कुल यासमीन, मैं बता दूं कि जिस तरह से मंगलवार के बाद यहां से लगातार सर्च चला, हालांकि 2 आतंकियों को भी यहां पर मार गिराया गया। और उसके बाद मैं बता दूं कि लोकरी इलाके में जो सोहल इलाका है, वहां पर 2 आतंकियों को जो है हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। और कल देर रात की बात करूं तो यहां पर कल भी एक महिला द्वारा जो है, यहां सैडा इलाका गाँव है, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, यहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जो सैडा गाँव है, हालांकि यहां पर किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षा बल यहाँ पर जो है वो चौकसी बरत रहे हैं और लगातार सर्च जो है इस इलाके में यहाँ पर जो है वो चलाया जा रहा है। और बताना चाहूंगा कि जंगल से सटा हुआ इलाका है, घना जंगल है, जिसके कारण जो है वो जो उनको ट्रेस करने में जो है मुश्किलात कहीं कहीं पैदा हो रही है। और बता दूं कि जिस तरह से रात को अमूमन क्या है कि विजिबिलिटी जो है कम हो जाती है, तो उनकी तलाश में जो है वो भी दिक्कत कहीं ना कहीं आ रही थी। और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ पर एक बार फिर से सर्च जो है वो यहाँ पर चलाया गया। और एक्स्ट्रा जो फोर्सेस है उनकी भी डिप्लॉयमेंट आपने देखी कि अभी कुछ ही देर पर पहले यहाँ पर की गई है। और SSP कठुआ जो है वो इस ऑपरेशन की निगरानी जो है वो खुद यहाँ पर कर रहे हैं। CRPF यहाँ पर पहुंची है, SOG यहाँ पर पहुंची है, और पैरामिलिट्री फोर्सेज भी जो है यहाँ पर मौके पर जो है वो सर्च यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और ये वही इलाका है यहाँ से कुछ दूरी पर जो 2 आतंकियों को जो है हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था, और गोला बारूद जो है वो भी उनसे काफी तादाद में जो है बरामद हुआ था। तो अब तक की स्थिति मैं बताना चाहूंगा कि अभी ड्रोन का भी जो है सहारा लिया जा रहा है, वहां पर नई तकनीक जो है उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके उनको जल्द से जल्द जो है वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक बता दें तो अभी तक जो 2 आतंकी बताए जा रहे हैं वो ट्रेस अभी तक नहीं हो पाए हैं। गहन तलाशी जो है उनकी अभी उस इलाके की जो है की जा रही है। आवाजाही जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। इलाका जैस्मीन मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, आप देख रहे हैं कि ये घना जंगल से सटा हुआ इलाका है, घर भी है, गांव भी यहाँ है, ग्रामीण है। जिस तरह से हमने कल देर रात भी जो है कुछ ग्रामीणों से बात की, तो ग्रामीणों ने यही कहा है कि वो इस समय जो लाइट है अपने घर की ऑफ कर देते हैं। और इस तरह का दौर जो है 1971 में उन्होंने जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो तब देखा था, क्योंकि उस समय जहाज जो आते थे और जिस घर में लाइट होती थी उस जगह पर वो अटैक कर देते थे। तो उसी दौर को कुछ बुजुर्गों ने याद करते हुए वो जो समय था हमारे साथ शेयर किया, और उन्होंने कहा कि उस तरह का माहौल जो है अब इन ग्रामीणों को यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन चरणजीत, इस बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो DGP ने कही है, जहां जहां भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जहां इस तरह की आतंकवादी घटनाएं सामने आई हैं, वहां के लिए एक बड़ी बात यह कही गई है कि बिना लोकल सपोर्ट के इतने अंदर तक घुसाना घुसपैठियों के लिए, आतंकवादियों के लिए संभव नहीं है। तो जो लोकल सपोर्ट यहां से उन्हें मिल रहा है उसको लेकर किस तरह से निपटा जाएगा, और जो यहां के बाशिंदे हैं उन्हें क्या निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट यहां पर है, इस तरह का तनाव का माहौल पर है, तो उनके लिए भी यह स्थिति मानसिक रूप से तनाव वाली रहती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से DGP का कल बयान सामने, उन्होंने कहा कि 2005 की बात करें तो तब से लेकर जो है उस समय के दौर की उन्होंने बात कही है कि तब जो है इस तरह का माहौल जो है जम्मू खित्ते में पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस माहौल को भी खत्म किया गया। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि लोकल की जो सपोर्ट है वो बड़ी अहम रहती है, और तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंडरग्राउंड वर्कर जो है इसमें पुराने जो आतंकी जो संगठन है उनके आका पाकिस्तान से कमांड करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग उनके साथ पहले जुड़े हुए थे अंडरग्राउंड वर्कर, उनको कहीं ना कहीं टच किया जाए, रीएक्टिवेट किया जाए। इसी तरह उनको कहीं ना कहीं जिस तरह से जम्मू खित्ते को दहलाने की साजिश जो है लगातार की जा रही है, तो ये भी उसका एक अहम हिस्सा उनकी तरफ से माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं कोशिश वो कर रहे हैं कि पुराने जो उनके साथी हैं उन्हें रीएक्टिवेट किया जाए और दहशत का माहौल जो है वो जम्मू खित्ते में कहीं ना कहीं किया जाए। जिस तरह से आपको पता है कि लोकसभा चुनावों की बात है तो रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग इस बार हुई, लोग
घरों से बाहर आए और लोगों ने वोटिंग किया, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये संगठन जो है, जिस तरह जैसे मोहम्मद के जो जो आतंकी हैं उनको ढेर किया गया। तो जिस तरह अभी बात करें तो जो डोडा इलाका है वहाँ पर भी असर चल रहा है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं घुसपैठ जो है उसकी बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जिस समय जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि दो टूक मैसेज जो है डीजीपी जम्मू कश्मीर ने दे दिया कि चुन चुन कर जो है इन आतंकियों का खात्मा कर दिया जाएगा। और लोकल्स को भी उन्होंने कहीं ना कहीं चेतावनी जो उनके साथी है उनको दे दी है साफ तौर पर कि अगर कोई उनका साथी इस तरह में मुलबिस पाया जाता है जो उनको सपोर्ट करता है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक साफ संकेत जो है वो डीजीपी जम्मू कश्मीर आरएस सवेन ने जो है वो दे दिए हैं। जी बिल्कुल चरणजीत, और इस बीच हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, सर्च अभियान तेज कर दिया गया है, नजर आप बना के रखे। बहुत शुक्रिया चरणजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जेकेएलएच पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर बात करेंगे।